सब किस में आएगा? रिसर्च डिजाइन या रिसर्च मॉडल में। अगर आपकी एक्स वाई जेड, लेट्स इमेजिन मैंने ये बोला आई एम गोइंग टू अप्लाई स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, मैं कौन सी सैंपलिंग करूंगा? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो ये भी उसमें बताना पड़ेगा कि अगर मेरी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग नहीं हो पाती या मैं उससे फाइंडिंग्स को एक्वायर नहीं कर पाता तो मैं उस स्टेप में कौन सी सैंपलिंग प्रोसीजर अपनाऊंगा। क्योंकि लेट्स इमेजिन सर्टिफाइड हम कब करते हैं, कोई आइडिया? जब पॉपुलेशन क्या है? हेटरोजेनस। हेटरोजेनस को हम किस पे डिवाइड करते हैं? होमोजेनस। जिनको नहीं पता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस का पार्ट है, डेप्थ में पढ़ना है। सो लेट्स इमेजिन आपकी अगर प्रोबेबिलिटी में सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा तो उसका इक्विवेलेंट पावरफुल नॉन प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट है कोटा सैंपलिंग, तो आप कोटा अपनाओगे। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च डिजाइन में मेंशन करनी पड़ेगी। सभी को समझ में आया? रिसर्च डिजाइन में ये भी बताना जरूरी है कि आप टेस्टिंग कौन सा करोगे, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक में कौन सा अपनाओगे और नॉन पैरामेट्रिक में कौन सा टेस्ट को अपनाओगे, ये सारी चीजें आपको बताना जरूरी है किसके अंदर? रिसर्च डिजाइन के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग लीजिए, रिसर्च मॉडल डिजाइन के बाद। सब बताना, मैंने बताया, मेथड बताओगे, सारा कुछ बताओगे, सारी चीजें उसमें बतानी पड़ेगा रिसर्च डिजाइन के, ठीक है? और हमेशा ध्यान रखना बेटा, अभी तक हमने डेटा कलेक्शन शुरू नहीं किया। ये सारी चीजें आप कब मेंशन करोगे? डेटा कलेक्शन करने से पहले। हाइपोथेसिस फ्रेमिंग भी।